नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है योगा दिवस के बारे में। दोस्तों 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है। थोड़ा इसके बारे में हिस्ट्री बताता हूँ मैं। दोस्तों जो हमारे मोदी जी थे, इन्होंने UNO में जाके ये प्रस्ताव रखा था कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाए और 194 देशों में से 150 देशों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था कि 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा दिवस होगा। दोस्तों 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा दिवस मनाने का कारण यह है कि 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है और इसलिए 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा दिवस के रूप में एक्सेप्ट किया गया। दोस्तों 21 जून 2015 को पहला इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया गया। इस दिन दो रिकॉर्ड बने थे। दिल्ली में 35,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ योगा किया था। एक तो रिकॉर्ड ये था और दूसरा रिकॉर्ड ये था कि एक साथ ही 84 देशों में इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री और अब मैं योगा के बारे में बताता हूँ। दोस्तों योगा जो है हमारे देश में 5,000 से ज्यादा सालों से ही योगा किया जा रहा है और जो हमारे महर्षि पतंजलि थे उन्होंने इसको स्थापित किया था। उन्होंने इस पे पूरा स्क्रिप्चर तैयार किया था। दोस्तों उन्होंने कुछ इसके रूल बनाए, उसमें इसको 8 भागों में डिवाइड किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, तो ये इसके 8 पार्ट हैं। दोस्तों योगा का मीनिंग यह है कि आप फिजिकल वर्ल्ड और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ में मिलाए, यानी कि आपका जो भौतिक संसार है उसके साथ में आप अपने अध्यात्म को भी लेके चलें, उसका मीनिंग ही योगा है। यानी कि आपको दोनों चीजों में बैलेंस बना के चलना है, तभी आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो था हमारा योगा दिवस के बारे में। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू।